नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। अनगढ़ा में दूध मुही बच्ची की हत्या, जूट के बोरे में बांध कर जलाया, जांच में जुटे पुलिस। झारखंड में बनेंगे नए प्रखंड, विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। सड़क पर उतरे रांची डीसी और एसएसपी, लोगों से की मास्क पहनने की अपील। सदर अस्पताल में बवाल, सीएम आवास की धौंस दिखा, अस्पताल कर्मियों के साथ की बदसलूकी। लातेहार में नाबालिग चला रहा था टेम्पो, पलटने से चालक समेत दो की मौत। पलामू में अवैध स्टोन माइन सील, स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई कार्रवाई। चतरा में 5 लाख रुपए की अफीम और डोडा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 63% मरीज अकेले रांची में। धनबाद में बाइक से घर लौट रहे अधेड़ को हाइवा ने कुचला, मौके पर हुई मौत। जमीन विवाद मामले में सांसद निशिकांत की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया एफआईआर। जमशेदपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, पीड़िता ने दर्ज कराया मामला। जमशेदपुर में बिल्डिंग की छत से गिरकर बुजुर्ग की मौत, बीवी संग टहलने के दौरान हुआ हादसा। असम की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के पास न तो नेता न ही नीति। पुरुलिया में पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना, कहा अब बंगाल में भी होगी डबल इंजन की सरकार। अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल, दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में ली पार्टी की सदस्यता। महिला रेसलर गीता और बबीता की ममेरी बहन रितिका ने की आत्महत्या, टूर्नामेंट हारने से सदमे में थी। एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर सोनी राजदान ने की वैक्सीनेशन की अपील, कहा एक्टरों को अर्जेंटली लगे टीका। लखनऊ के एक थाने में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पर मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार का आरोप। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर के पास से एक शख्स गिरफ्तार, हथियारों से था लैस। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।